हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर लेसन नंबर 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्टिविटी 4। व्हाट ही सेज इन दिस एक्टिविटी, आपको एक चेयर लेनी है, ग्राउंड में प्लेस कीजिए इन द सनी डे। देखिए सूरज निकला हुआ हो तब तो आप क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है उसकी शेडो को, जो चेयर है उसकी शेडो को। बार बार आपका क्या कीजिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, शेड चेयर जो आपने ली है, और उस शेडो को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो आप क्या उस शेडो को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की, किस चीज़, क्या चीज़ है ये शेडो, किस चीज़ की है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है। इसी तरीके से आप एक नोटबुक ले लीजिए, उससे शेडो बनाइए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, उसकी शेडो बनाइए, तो आप दोनों की लगभग क्या होगी, सिमिलर टाइप की शेडो बनेगी। हम ये नहीं बता सकते कि ये नोटबुक की है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे, उसकी है। इसी तरीके से आप फ्लावर्स ले लीजिए अलग अलग कलर के, उनकी शेडो को ऑब्जर्व कीजिए। आप शेडो को देखकर ये नहीं बता सकते कि उनका कौन सा कलर है। जैसे आपने मान लीजिए रेड कलर का रोज लिया है, येलो रोज लिया है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये जो फ्लावर है इसका कलर क्या होगा। इसी तरीके से बेटा जब हम एक लॉन्ग बॉक्स लेते हैं, उसकी शेडो को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप जैसे जैसे आप शेडो का साइज क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा विद रिस्पेक्ट, कब शेडो का साइज छोटा होता है, कब बड़ा होता है, पॉइंटिंग टुवर्ड द सन। जैसे सन के, जब सन बिल्कुल क्या होता है, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग शेडोज क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और इन द आफ्टरनून क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सीध में, ठीक है, बिल्कुल सीधा ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सन होगा तो उसकी शेडो क्या हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्टिविटी के लेकर हम एक पिन होल कैमरा बनाते हैं। पिन होल कैमरा क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का कैमरा यूज किया गया विद हेल्प ऑफ बॉक्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस लेने हैं, इस तरीके से लेने हैं कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स क्या कर जाए, चला जाए आसानी से, अंदर बाहर आप क्या करो, कर सको। आपको एक बॉक्स जो लिया है उसकी एक साइड कट ओपन कर देनी है देखने के लिए, और जो आपका ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, मेक अ स्मॉल होल, जो लार्जर बॉक्स है उसके वहां पर अपोजिट साइड, मतलब दूसरी तरफ आपको क्या लगाना है, एक छोटा सा होल करना है। अब आपको जो ओपन साइड है स्क्वायर बॉक्स की, ठीक है, द स्मॉल बॉक्स आपने कट आउट किया मिडिल में से विद अ स्क्वायर साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। अब आपने जो नीचे जो लिया था बॉक्स लिया, जो छोटे वाला जो अंदर स्लाइड कर रहा है, उसमें आपको एक स्क्वायर का क्या लगाना है, होल बनाना है, आपको एक कह सकते हैं छेद करना है स्क्वायर की शेप का, कितना 5 से 6 सेंटीमीटर तक का आपको स्क्वायर करना है, और वो आपको इसकी सीध में करना है जो आपने होल किया था उसके उसमें, ठीक है। तो अब आपको दूसरी साइड क्या लगा देना, ट्रेसिंग पेपर लगा देना, ठीक है, स्लाइड द कवर द ओपन इन द विथ ट्रेसिंग पेपर, स्लाइड स्मॉलर बॉक्स को आप अंदर लार्जर बॉक्स के अंदर आप स्लाइड कीजिए, आपका पिन होल क्या हो गया, रेडी हो गया। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, आपको स्मॉलर बॉक्स के फेस से क्या करना है, देखना है। अब आप देखिए तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी बिल्डिंग को, ट्री को देखेंगे तो आप क्या कर, आपको वो चीजें आपको दिखाई देंगी। पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आपको ये जो स्मॉलर बॉक्स है, जो छोटे वाला बॉक्स है, इसको आगे पीछे करते रहना है, और उसकी जो इमेज है, जो चीज आप देख रहे हो उसकी जो शेडो है उसको ऑब्टेन, उसकी जो इमेज को आप यहाँ ऑब्टेन करेंगे। अब इसमें पिन होल कैमरा से आप व्हीकल्स को देखिए, मूविंग रोड देखिए, डू यू सी द पिक्चर शेडो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, लेट अस नो द इमेज ऑफ द सन विद योर पिन होल कैमरा, वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस,
We need just a large sheet of cardboard with a small hole in the middle. Hold the sheet on up in the sun and let the shadow fall on the clear area. अब यहाँ तो हमने क्या किया, चीजों जो थी उनके हमें इमेज कैसी बनेगी, इमेज भी सीधी बनी, हमें उनका कलर भी पता चल रहा है, यानी कि कैमरा से जो चीज बन रही है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. अब यहाँ पर हम सन को देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिनहोल कैमरा. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड की शीट लेके आपको उसके अंदर होल करना है और आपको नीचे क्लियर एरिया उस कार्डबोर्ड की शीट के नीचे हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज प्लेस कर दीजिए जिसपे क्या बने आपकी जो शेडो है सन की वो बने. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं कहाँ पर, इन पिन होल कैमरा का हम यूज करते हैं जब एक्लिप्स होते हैं तब उनको देखने के लिए, सोलर एक्लिप्स को यानी कि सूर्य ग्रहण को. आप सभी लोगों को पता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हमारी आईज के लिए बहुत हार्मफुल होता है. और जैसे ही सोलर एक्लिप्स क्या होता है बेटा, जो रेडिएशन एमिट करता है उससे हमारी आईज क्या हो जाती है, बहुत इफेक्ट हो सकती है. इवन ऑल हमारी जो विजन, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, ठीक है, देखने की हमारी शक्ति भी जा सकती है. इसीलिए कहा जाता है कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए सोलर एक्लिप्स को. उनको देखने के लिए क्या किया जाता है, पिन होल कैमरा का इस्तेमाल आप कर सकते हो. इसमें क्या करते हैं, हम नोटिस कर रहे हैं जैसे ही आप पिन होल कैमरा से देखेंगे सन को, जैसे ही एक्लिप्स स्टार्ट होगा तो आपका डार्क पैच आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. अब आते हैं बेटा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे यहाँ पर नेचुरल पिन होल कैमरा भी अवेलेबल है. जो आप क्या कर सकते हो, कोई बहुत ही ऐसा ट्री है जिसकी बहुत सारी पत्तियां हैं, वहां पर बिल्कुल एक सनी डे के अंदर अगर आप उसके नीचे जाके देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको क्या दिखाई देंगे, लाइट के पैचेस दिखाई देंगे, ऐसे धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे. वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इमेजेस किसकी, सन की. और वो कब बनती हैं, जब वो पत्तियों से क्या जो उनके बीच में गैप है उनसे आती है किसकी, लाइट सन से जो आ रही है वो. इसी तरीके से बेटा अब इस पिन होल कैमरा के और भी बहुत अच्छे क्या होते हैं, हम कर सकते हैं कि जो हमने सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए हमने यूज किया, सन वनन एक्लिप्स ऑकर्स नेक्स्ट. बुजाओ has this thought, we saw upside down image of people on the road with our pinhole camera. Upside down मतलब उल्टी images आपको दिखाई देंगी, जो कैमरा होता है उसमें inverted images बनती है यानी कि उल्टी इमेज बनती है और हम जब देखते हैं उनको परसीव करते हैं कि ये क्या है, सीधी है. Did we notice any of that? Paheli has another thought. Surely all these results we are seeing formation of shadows. ये सारे रिजल्ट्स किसकी वजह से हैं, शेडोज की फॉर्मेशन में. पिनहोल कैमरा, पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ द लाइट मूव्स इन. अब पिनहोल कैमरा किस पर वर्क करता है, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, उस पर वर्क करता है. और वो प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में यानी कि बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती है. इसी से रिलेटेड के लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6. इसमें एक लॉन्ग ट्यूब लिया, इसने एक कैंडल लिया, उसको लाइट कर लिया. इस पाइप के थ्रू क्या कर रहा है, वो उस कैंडल को देख रहा है. जब तक ये पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है इसको क्या करती है, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल दिखाई देगी. अब आप क्या कीजिए, इस पाइप को मोड़ दीजिए. मोड़ने के बाद आप इसको कैंडल को देखिए तो आपको कैंडल नहीं दिखाई देगी. क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ट्रेवल करती है. अगर उसकी पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो लाइट को क्या कर देता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ब्लॉक कर देता है उस लाइट को और शेडो फॉर्म होती है. अब आते हैं हम मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन. वी ऑल यूज मिरर्स. आप मिरर्स यूज करते हैं घर में. हम मिरर्स में क्या देखते हैं, हमारे फेस को देखते हैं, ठीक है. तो वो क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्शन, हमारा प्रतिबिंब होता है.
वी ऑल्सो, अब हम कई और चीजों की भी रिफ्लेक्शन हमें दिखती है मिरर के अंदर, और जो रिफ्लेक्शन हम ट्रीज की, बिल्डिंग्स की, और पॉन्ड्स, वाटर ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक, हम क्या करते हैं पॉन्ड के वाटर जो है उसमें हमें रिफ्लेक्शन दिखती है चीजों की, क्या दिखाई देती है हमें, इमेज दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं ट्रीज के, बिल्डिंग के, या और भी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके। अब ये एक्टिविटी 7 है, इसमें ये बता रहे हैं कि लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जब किसी चीज से टकराती है तो वो अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेती है, चेंज कर लेती है। इस एक्टिविटी में हमें 3 स्टूडेंट्स की जरूरत होगी, एक को टॉर्च देकर, एक के हाथ में मिरर होना चाहिए और दूसरा डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए। अब एक डार्क रूम के अंदर हमने क्या करना है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हम टॉर्च लेके जाएंगे, इसके बिल्कुल सामने हमने क्या करना है, हमारे एक स्टूडेंट को खड़ा कर देना है विद द हेल्प ऑफ मिरर, उसके हाथों में मिरर लेकर। आप जैसे ही टॉर्च को ऑन करेंगे, आप मिरर पर उसको क्या करेंगे, रोशनी डालेंगे, तो वो इस तरीके से एडजस्ट करनी है आपको उसकी बीम कि वो टकरा कर किस पर जाए, जो आपका थर्ड स्टूडेंट जो खड़ा है, थर्ड आपका जो फ्रेंड खड़ा है उस पर गिरे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट क्या कर रही है। देखिए इसमें भी इसने एडजस्ट किया, इसने जैसे ही मिरर पे डाली वो मिरर से टकरा कर कहाँ जा रही है, उसका जो दूसरा दोस्त दूसरी साइड खड़ा है उसके पास जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि जब भी लाइट किसी चीज से टकरा रही है तो वो क्या करती है, वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, यानी कि अपनी डायरेक्शन जो है उसको क्या कर लेती है, चेंज करती है। इससे होता है अ मिरर, मिरर क्या कर देता है, चेंज कर देता है डायरेक्शन ऑफ लाइट जो उस पर गिर रही है उसको। और ये आता है, अब एक चीज हमें पता चल गई कि लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है जब भी वो मिरर से टकराती है। इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, हमने क्या करना है, हमने एक मिरर लेना है, एक कॉम लेना है, ठीक है। और इधर एक आप क्या कर सकते हो, कार्डबोर्ड पर आप एक साइड कॉम को फिक्स कर दीजिए और इधर टिल्ट करके आप क्या कीजिए, मिरर को फिक्स कर दीजिए। इधर से जहां पर आपने कॉम लगाया है उधर से आप क्या करेंगे, लाइट, बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे, आप डालेंगे, तो जैसे ही मिरर में जाएगी वो लाइट तो वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। वो पैटर्न क्यों बनता है, एक एक जो शेडो बनी वो किसके कारण बनी, जो आपने लाइट डाली वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक किया तो उसकी शेडो बनी, और दूसरी जो आती है वो रिफ्लेक्शन के कारण बनती है, जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसके कारण क्या बनती है, शेडो बनती है। इसी से हमें पता चलता है कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जब मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। थैंक यू।